ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 5.4। सो बिफोर वी बिगिन आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट यू टू कीप द प्रॉब्लम नंबर 5.4 ओपन इन द बुक। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द PDF इन द गूगल क्लासरूम। ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल रीड द एग्जांपल फर्स्ट, आई विल रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। As shown in figure 5.32, the distance between fixed centers is 50 mm. Okay, so concept fixed center की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो जो यहाँ पे आपका स्लाइडर का जो पॉइंट होता है, एक वो, ठीक है, और एक पॉइंट जहाँ से आपका क्रैंक रोटेट होता है, ये दो आपके फिक्स सेंटर्स हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटर्स के अकॉर्डिंग आपका जो लीवर होता है या फिर आपका जो स्लॉटेड लीवर जिसको बोलते हैं वो रोटेट होता है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हमको प्रोवाइड किया है कितना, 50 mm। चलो तो इसको कुछ नाम वाम दे देते हैं। लेट्स से ये हमारा फर्स्ट सेंटर C है एंड यहाँ पे हमारा सेकंड सेंटर D है। दैट मीन्स CD इज इक्वल टू 50 mm। फाइन, चलो द नेक्स्ट थिंग प्रोवाइडेड इज लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक इज 75। चलो तो ड्राइविंग क्रैंक कौन सा होता है हमारा, जो स्लॉटेड लीवर को रोटेट करता है। सो लेट्स से ये हमारा स्लॉटेड लीवर का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्रैंक हुआ, यहाँ पे जो जॉइंट होगा उसको क्रैंक रोटेट करेगा इस तरह से, राइट। तो हमको ये लेंथ प्रोवाइड की है, सो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं ए। तो हमको सी ए प्रोवाइड किया है कितना, 75, जो कि हमारा क्रैंक का लेंथ। फाइन, नेक्स्ट थिंग जो प्रोवाइड किया है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्लॉटेड लीवर, जो हमारा स्लॉटेड लीवर है एंटायरली, दैट इज 150 mm। ओके तो वो कौन सा होता है, जो ये पॉइंट के थ्रू, ये वाला फिक्स सेंटर के थ्रू पास होता है। सो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है, चलो। और ये हमारा पॉइंट होता है पी। सो पी ए इज प्रोवाइडेड एज 150 mm। फाइन, द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज 135। चलो कनेक्टिंग रॉड कौन सा होता है, जो पी पॉइंट से होता है और ये स्ट्रेट लाइन में हमको मोशन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ आवर कनेक्टिंग रॉड। तो समझ लो ये यहाँ पे पॉइंट आर पे आके मिलता है, लेट्स से। सो ये हमारा पी आर हो गया और पी आर हमको प्रोवाइड किया है 135 mm। क्लियर, चलो अब फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक एंड टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। तो कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलो एनीथिंग एल्स, एंड ऑल्सो द इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। चलो इफेक्टिव स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। चलो तो कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक, उसका रेशियो फाइंड करने के लिए हमें एंगल पता रहना चाहिए, फाइन, ठीक है। तो एंगल के लिए हमें कुछ ट्राइंगल चाहिए होगा। चलो तो ये CD तो हमारी हो गई फिक्स लिंक, ठीक है, इसको एज अ फिक्स लिंक शो कर देते हैं, फाइन। चलो सबसे पहले तो पॉइंट ट्रेस कर लें, तो ये पी पॉइंट है वो किस रीजन में रोटेट करता है, तो P1 से लेके P2, मतलब ये पी पॉइंट है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, इस तरह से रोटेट करेगा, फाइन। सेम वे आपका ए पॉइंट है तो वो भी ए, मतलब इस तरह से रोटेट करे तो A1 से लेके A2 तक रोटेट करेगा,
क्लियर? चलो, तो अब हमें फिगर आउट करना है इसके अंदर, अगर एंगल याद हो तो बीटा बाय टू, ठीक है? चलो, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, डॉटेड लाइन, और एक डॉटेड लाइन यहाँ से। तो जो थियरी डिस्कस हुई थी, थियरी में हमने ये डिस्कस किया था दैट दिस एंगल विल बी आवर बीटा, और ये एंगल बीटा है, सो उसका ऑब्वियसली ये वाला जो हाफ पोर्शन है दैट विल बी बीटा बाय टू। फाइन, चलो, तो फुल एंगल के लिए हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बीटा बाय टू यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है उसका यूज़ मिलेगा। फाइन, चलो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया? सी ए टू। फाइन, एंड हमें और कौन सी चीज़ पता है? हमें सी डी पता है। सो दैट मीन्स हम एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस यूज़ कर सकते हैं। सो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस को यूज़ करें, ऐसा एंगल कौन सा है? कॉस। सो हम लगाएंगे यहाँ पे कॉस बीटा बाई टू, तो कॉस बीटा बाई टू क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सी डी की वैल्यू हमें अवेलेबल है हमारे पास 50, और सी ए की वैल्यू 75, ठीक है? क्योंकि ये सर्कल है, जो सी ए की वैल्यू होगी वही सी ए टू की होगी, वही लेंथ सी ए वन की भी होगी। फाइन, चलो, तो इसका रेशियो फाइंड करते हैं, तो आता है 0.667 समथिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बीटा बाई टू हमें होगा 48.2 डिग्रीज, एंड हेंस बीटा विल बी 96.4 डिग्रीज। फाइन, सर, तो हमें एंगल मिल गया, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं रेशियो कटिंग स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक। उसका फॉर्मूला 360 माइनस बीटा अपॉन बीटा। अगर अल्फा के टर्म में फाइंड कर रहे होते तो अल्फा अपॉन 360 माइनस अल्फा, करेक्ट? चलो, तो 360 माइनस 96.4 डिवाइड बाय 96.4 विच विल गिव अस 2.735, मिल गया रेशियो। चलो, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज टू फाइंड इफेक्टिव स्ट्रोक। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रोक की बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रोक होता क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे आर पॉइंट पे हमारा क्या होता है? एक कटर अटैच होता है, ठीक है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ने डिस्कस किया था कि वो शेपर मशीन में यूज होता है। सो यहाँ पे आर पॉइंट के पास कुछ कटर या कुछ मैकेनिज्म हमारा अटैच होता है, और उसकी जो इफेक्टिव मूवमेंट होती है कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक होगी, दैट इज अवर इफेक्टिव स्ट्रोक। सो लेट्स से कि हमारा पी आर कितना है? 135। तो जब ये पी वन पॉइंट पे होगा तब हमारी मिनिमम लेंथ होगी स्ट्रोक की। सो लेट्स से रैंडमली कोई एक पॉइंट मार्क करते हैं, यहाँ पे आर वन समझ लो। तो जब पी पॉइंट पी वन पे होगा तो आर पॉइंट आर वन पे होगा, और जब पी पॉइंट पी टू पे होगा तो आर पॉइंट आर टू पे होगा, ठीक है? इससे थोड़ा आगे, ठीक है? तो जो आर वन से लेके आर टू, आर वन से लेके आर टू की जो हमारी लेंथ है दैट इज अवर इफेक्टिव स्ट्रोक। ओके, चलो, तो ये चीज हमने थियरी में देखी थी कि पी आर वन मतलब के पी वन आर टू सॉरी आर वन पी वन आर वन इज इक्वल टू पी टू आर टू इज इक्वल टू पी आर। फाइन, क्योंकि ये लिंक तो लिनियरली मूव कर रही है तो उसकी लेंथ तो कांस्टेंट रहने वाली है। फाइन, चलो, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना है कि एक बार
P1 से लेके 135 लेंथ लेके इसके ऊपर R1 पॉइंट मार्क करना है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। चलो तो उसके लिए करना पड़ेगा एक स्केल्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा, फाइन। चलो सो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये नेक्स्ट वीडियो में अंदर मैं कवर करूँगा ही डेफिनेटली, बट ये आपके लिए एक स्मॉल टास्क या स्मॉल होमवर्क जैसा है, अगर आप खुद कर पाओ, ठीक है। आपको इसी तरह से स्टार्टिंग कैसे करनी है, सिंपल, पहले एक सर्कल बनाना है, उसका कोई सेंटर होगा, और देन एक दूसरा सर्कल बनाना जो इसके अंदर से पास होगा, ठीक है। दोनों की रेडियस आपको पता है? हाँ पता है, ये सी ए की लेंथ तो आपको पता है, तो बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा। बट राइट नाउ मे बी आपको पी डी की वैल्यू नहीं पता, बट वो लेंथ आप पता कर सकते हो। कैसे? क्योंकि समझ लो, अगर ये पी ए जो लाइन है अगर वो कम्प्लीटली स्ट्रेट होती इस तरह से, ये डॉटेड लाइन पे फोकस करो, ठीक है। समझ लो ये पी ए की पोजीशन है, ये है पी डैश और ये है ए डैश, तो आपके पास सी डी लेंथ अवेलेबल है और आपके पास सी से ए तक की लेंथ भी अवेलेबल है और आपके पास पी और ए की लेंथ भी अवेलेबल है। तो अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो पी ए इज इक्वल टू पी डी प्लस डी सी प्लस सी ए होगा। आपको इसमें से डी सी भी अवेलेबल है, आपको सी ए भी पता है और आपको पी ए भी पता है, तो आपको पी डी मिल जाएगा। तो छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो आपको पता चल जाएगा। सो इस तरह से दोनों सर्कल मार्क करो, एक का सेंटर पहले कोई भी फिक्स कर लो रैंडमली, देन वो सर्कल ड्रॉ करो। उसके बाद आपको डी और सी का लेंथ पता है तो दूसरे सर्कल का सेंटर मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, फिर वहाँ से दूसरा सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। और यहाँ पे डायमेट्रिकली जहाँ पे भी लाइन कट हो वहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट देने हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे P1 P2 पॉइंट देने हैं, और ये सर्कल लाइन को जहाँ पे कट करे वहाँ पे A1 A2 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, सिंपली इतना स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी इनफ है। उसके बाद P1 से 135 की लेंथ लो और R1 मार्क करो, और P2 से सेम लेंथ लो और R2 मार्क करो, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो मेजर करो स्केल से। अगर आपने कोई स्केल लेके चलो, समझ लो कि ये 135 मतलब कि सॉरी 15 mm का मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, तो मतलब 15 cm, तो आप चाहो तो सबका हाफ कर दो, तो जो R1 R2 की वैल्यू आएगी वो भी आपकी हाफ में आएगी, तो जो वैल्यू आप मेजर करते हो स्केल से उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो R1 R2 की वैल्यू आपकी आनी चाहिए समवेयर अराउंड 87.5, प्लस और माइनस 0.5 इज एक्सेप्टेबल, फाइन। सो आप ये खुद ट्राई करो, जो ये ट्राई करे, जो ये आंसर ये लेके आए या फिर गलत भी आंसर लेके आए, सो प्लीज़ डू शेयर विथ मी, ओके।